हरे कृष्णा। तो नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज देखो मैंने पहन लिया है भाई ग्लव्स, ठंडी बहुत है। तो फिलहाल मैं ना स्वयं भगवान केशव महाराज का क्लास सुन रहा हूँ। मैं घर से निकला तो डायरेक्ट आ गया, मुझे फोन आ गया था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो महाराज का मैं क्लास सुन रहा हूँ और आप भी सुन लो, बहुत अच्छा महाराज बोलते हैं। और हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए हमें एक ऐसा शेड्यूल बनाना चाहिए कि हम एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो कुछ सुने स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में। अभी थोड़ी देर में निकलूंगा, फिर आगे देखते क्या होता है। तो अभी मैं आया था ब्रज प्रभु के पास। तो ये आजकल एक बहुत मीम चल रहा है ना, द वॉइस। तो हम लोग ने बना दिया है द डिवोटीज। तो ब्रज प्रभु ने उसका बना के दे दिया है। अब जितने भी भक्त चाहते हैं कि ऐसा मीम बनाना जिनको पसंद है, वो वाली फोटो मेरे से ले सकते हैं और एक ऑडियो लगा के बनाओ जबरदस्त मीम, जितना बना सको। पर अच्छा वाला ही मीम बनाओ जिसको देख के लोगों को हंसी भी आए और लगे कि हाँ ऐसा है। तो जिनको चाहिए वो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके वो फोटो ले सकते हैं। ठाकुर जी की कृपा से देखो, आज 2 दिन के बाद धूप निकली है, अच्छा लग रहा है धूप में, पर ठंड भी तो है ना। तो आज शाम को हम शायद जाएंगे दर्शन के लिए एक जगह, एक मंदिर पे। गया तो दिखा दूंगा, नहीं तो राधेश। आज मैं पूरा दिन कहीं गया ही नहीं, मतलब मैं पूरा दिन घर पे बैठा हूँ। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, मतलब अभी मैं जा रहा हूँ, ब्रज प्रभु आ रहे हैं और वरिंदर प्रभु आ रहे हैं, तो हम उनके साथ जाएंगे रंगजी मंदिर, क्योंकि वहाँ पे वैकुंठ द्वार खुला है ऐसा पता चला है। तो अभी बेसिकली वैकुंठ द्वार देखने जा रहे हैं। तो चलो आपके साथ में जाते हैं। और आज अच्छा दिन, बहुत अच्छा है, मतलब नॉर्मली जा ही रहा है। हरि बोल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रंगजी मंदिर। बेसिकली रंगजी मंदिर में वैकुंठ द्वार खुला है और हम लोग गोलोक में रहते हुए वैकुंठ जा रहे हैं। एक बार देख लेते हैं, एक बार तो जाके दर्शन कर लेते हैं। तो गोलोक ही जाना है। गोलोक में ही है हम, जाना क्या है यहाँ से दूसरा गोलोक, मतलब गोलोक टू सेकंड गोलोक। मतलब आप गोलोक में भी भेदभाव करोगे है? गोलोक में भी भेदभाव करोगे? करना पड़ेगा आपको। ये गोलोक में मजा नहीं आ रहा है? मतलब क्या मजा आएगा ना, ये वाले गोलोक में मजा नहीं, मतलब है वहाँ ज्यादा मजा आएगा। अच्छा, मतलब मतलब जरा व्याधि है वहाँ पे नहीं है, मतलब आप मजा के चक्कर में हो और भी आप चाहते हो। आए, आए। तो जाने से पहले हमने सोचे है कि गरम कुत्ता खा ले, मतलब हॉट डॉग, 20 रुपए का एक गरम कुत्ता। तो अभी मैं फिलहाल पहुंच गया हूँ रंगजी मंदिर। और अरे यहाँ पे तो प्री वेडिंग फोटो शूट चल रहा है। अरे एक मिनट, तो ये भैया भाभी जी का प्री वेडिंग फोटो शूट। कोई बात नहीं, अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर, चलो जाते हैं अंदर, दर्शन कराते हैं आपको। अरे ब्रदर मोबाइल ना लेके जाए बंदर। तो यहाँ देख रहे हो इतने सारे भीड़ लगे हैं, पूरा देख के भगवान को आनंद आ जाए। फिर को यहाँ से देखते हैं थोड़ा सा। जय हो, जय हो। टाइम पे आए हम। तो अभी हम पहुंच चुके हैं वैकुंठ द्वार के गेट पे रंगजी मंदिर। मंदिरों में बहुत सारे नियम है जब आप अंदर आए। और ये है 1.25 मन सोने का पिलर, 1.25 मन पिलर। हाँ ये सोने का पिलर है पूरा, ये जो दिख रहा है इसके ऊपर एक अलग ही वीडियो बनाएंगे, बट फिलहाल इसी में देख लो जो भी है। तो ये देखो मंदिर की नक्काशी, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, ऐसे हर एक पिलर पे बना हुआ है।
जितने भी पिलर देखेंगे सारे पिलर पे भगवान की नक्काशी बनी हुई है। अब हम चल रहे हैं जिसलिए हम आए थे वैकुंठ द्वार। जय वैकुंठ द्वार खुला है। अरे क्या लिखा है? 2 तारीख को खुला था अब बंद हो जाएगा। 9 तारीख को बंद हो जाएगा। 2 तारीख को एकादशी थी ना, उस एकादशी के दिन खुला। तो आप लोग भी चल रहे हो वैकुंठ द्वार में घर बैठे। जय हो वैकुंठ द्वार की जय। तो वैकुंठ द्वार से आप आएंगे तो यहाँ पे पहुंचेंगे, फिर यहाँ पे देखो जहाँ पे हम थोड़ी देर पहले कीर्तन वगैरह कर रहे थे वहाँ पे अभी भगवान फिर से आ चुके हैं। माता जी ने 10 रुपए दिए भैया। प्रभु जी राधे श्याम। देखा जा सकता है। अब देखो यहाँ से लेके जा रहे रंगनाथ मंदिर में वैकुंठ द्वार साल में एक बार खुलता है, जो कि इस एकादशी में, जो 2 तारीख को एकादशी आई थी, मतलब ये ठंडी वाले एकादशी में खुलता है। तो जब भी आपको अगर मौका मिले तो आप भी इस एकादशी पे आके इस वैकुंठ द्वार से जा सकते हो। हमारा तो हो गया भैया, मतलब हम तो ऑलरेडी गोलोक में है और वैकुंठ से भी आ गए, बस हो गया। बोले श्री वृंदावन धाम की जय। तो भैया रंगनाथ जी के दर्शन अच्छे से हो गए और मैंने गिरिराज जी के लिए रात को भोग लगाने के लिए दूध वगैरह ले लिया है। फिलहाल अब मैं जा रहा हूँ घर पे। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है, फिर मिलते हैं कल नए वीडियो नए उसके साथ में। बोले रंगनाथ भगवान की जय। अगर आप ब्लॉग देख रहे हो तो बोल दो रंगनाथ भगवान की जय। राधे श्याम।